वो आए और वेलकम रिमार्क्स दें प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज्जत जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उसके साथ हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज्जत हमारे आर्मी चीफ साहब और यहाँ पे वफाकी वज़रा और यहाँ के हमारे फौजी अफसरान और यहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के वाइस चांसलर साबिर साहब और दिगर हजरात, हमारे पुलिस के आईजी साहब, दूसरे हमारे वफाकी वज़रों में से जो जितने भी हसन इकबाल साहब है, साद रफीक साहब है, असद महमूद साहब है, हशम नतवज़ी साहब है, आगा हसन बलोच साहब है, मैं आप सबको बलूचिस्तान पे यहाँ आने पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि आज हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है उन्होंने तो कुछ कहना है, मैं सिर्फ उसको यहाँ पे खुश आमदीद कहूँगा कि हमारे सूबे के अभी जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ मैंने देखे ये सारे मेरे ख्याल से तकरीबन कुछ तकमील हो चुके, कुछ जारी है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो सारे जो यहाँ लोगों के सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, पूरे पाकिस्तान के नहीं बल्कि यहाँ एशिया और दीगर ममालिक जो है वो सबके लिए ये ग्वादर पोर्ट इस तरह के कि वो सबके लिए तरक्की के राह गामजन करेंगे और बलूचिस्तान की हवा इससे बिल्कुल जितने भी इस ग्वादर पोर्ट से जितनी भी तरक्की होगी वो बलूचिस्तान के आवाम के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए इंशाल्लाह तरक्की का एक रास्ता तयन करेंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जब से आप आए हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब, तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन चौथा पांचवा दौरा है ग्वादर का। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के लोगों के लिए बल्कि सूबे के लिए बल्कि मुल्क के लिए आप अक्सर जो दिन रात मेहनत करते हैं, हम दुआगो हैं कि आपका यह मेहनत इंशाल्लाह रागा नहीं जाएगा और हम आपके लिए जितने भी दोस्त हैं सारे पाकिस्तान आपके लिए दुआगो है। एक दफा फिर आपका शुक्रिया। वाखिर दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। नाज़रीन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। नवीं और दसवीं मुहर्रम दोनों का रोजा आप रखें। आपने देखे हैं क्या ऐसी ज़ईफ़ा। करबला जंग का नाम नहीं था, करबला कत्लो गारत का नाम नहीं है। अहवाल ये गाजी को सुनाती है सकीना, रब की अता को ये
हुसैन कहते हैं। हजरत आदम सही बगैर हवा के नहीं आए। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? हुसैन चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। देखना मत भूलिएगा पीटीवी होम पर मुहर्रम अल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारे हैं हुसैन, ठीक रात 9 बजे पहली ता 10 मुहर्रम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार सदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की 20 बड़ी माशी ताकतों पर मबनी ग्रुप G20 की, जिसकी सदारत रवां साल यानी इस साल भारत के सपोर्ट है, लेकिन ये जिम्मेदारी उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है क्योंकि भारत को G20 के तमाम इजलासों में इस हवाले से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है कि ग्रुप्स के तमाम इजलास में कोई भी मुत्तफ़िका बयान या तजवीज़ मंजूर नहीं करवाई जा सकी। BBC के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भारतीय शहर गोवा में मुनक़िदा G20 इजलास में भी ऐसा ही हुआ है कि फॉसिल फ्यूल के महदूद इस्तेमाल के हवाले से इजलास में इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हो सका। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में कई ममालिक ने इजलास में फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी की तजवीज़ की मुखालफत की। इस इजलास में 2030 तक काबिल